बुधवार की रात से ही महानगर सहित आसपास के इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण महानगर कोलकाता का दक्षिण से लेकर उत्तर तक हर इलाका जलमग्न हो गया। क्या बालीगंज, क्या ठनठनिया, क्या काशीपुर, सभी इलाके के सड़कें जलमग्न नजर आए। इस दौरान बालीगंज व आनंदपल्ली रोड में घुटने भर पानी में लोगों को बाहर निकलते हुए देखा गया। वहीं सेंट्रल एवेन्यू, मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट, अमर स्ट्रीट, ठनठनिया कालीबाड़ी इलाके में भी कुछ ऐसा ही नजारा दिखा। लगातार हो रही बारिश के कारण लॉकडाउन के बीच वाहनों की जाम देखी गई। खासतौर पर बारिश के कारण सेंट्रल एवेन्यू जैसे बड़े सड़कों पर जलमग्न होने के कारण वाहनों को रेंगते हुए पाया गया। कई इलाकों में लोगों ने निकासी व्यवस्था पर सवालिया निशान उठाया। हालांकि गुरुवार की सुबह से ही निगम कर्मी लगातार तत्पर नजर आए। कई जगहों पे ड्रेनेज की सफाई के साथ ही वाटर ड्रेनेज के ढक्कन को भी खोल दिया गया। फिलहाल केएमसी कर्मी युद्ध स्तर पर लगातार काम कर रहे हैं। वहीं कई इलाकों में पानी का स्तर लगातार गिर रहा है। हालांकि लगातार हो रही बारिश अभी भी चिंता का कारण बनी हुई है। पेश है हमारे कैमरामैन प्रत्यय मुखर्जी की खास रिपोर्ट, जिसे उन्होंने अपने कैमरे से महानगर विभिन्न इलाकों में कैद किया।